अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आए हैं द पिच और यहाँ चल रहा है एक समर कैंप जिसमें आपके बच्चों को सिखाई जा रही है क्रिकेट। ये जो समर कैंप है ये दो ग्रुप में डिवाइडेड है, एक में 5 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे हैं और एक में 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं। और इसकी जो कोचिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर PCB लेवल 1 और लेवल 2 के कोच जनाब वकार कुंडी साहब। और अभी इसकी जो फर्दर डिटेल है समर कैंप की वो आपको बताएंगे हमारे बहुत प्यारे दोस्त हमजा भाई। तो हमजा भाई के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस समर कैंप की डिटेल्स क्या। मैं और बाबू आ चुके हैं यहाँ पे समर कैंप बच्चों का देखने के किस तरह वर्क हो रहा है। बाबू सबसे पहले कोच का बताएं कि आप बताते हैं, आप कोच को जानते हैं? कोच को मैं जानता हूँ काफी टाइम पहले, जब मैं हार्डबॉल अच्छी खेलता था हाँ। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं इनके पास गया था। अच्छा। और ये बख्तियारी में ट्रेनिंग हाँ। देते थे तो उस टाइम बड़ा अच्छा गाइड किया था उन्होंने, लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं की क्रिकेट। अच्छा। इनका नाम सुना है। अच्छा अच्छा, प्रोफेशनल लेवल पे ये कोचिंग करते हैं। अच्छा, हमारे साथ आ गए हमजा भाई जो कि हमें सारी डिटेल्स बताएंगे कि समर कैंप ये है किस लिए। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, क्या हाल है आपके? हमजा भाई सीन बताएं कि क्या समर कैंप है, देखने वाले बच्चों को लोगों को बताएं कि वो किस तरह इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी क्या फ़ी चार्जेस है, क्या टाइमिंग है, एज ग्रुप क्या है, सारी डिटेल आपको देंगे। अदील भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इंसान जो होता है कि कभी भी जो है छुट्टियाँ वगैरह पड़ती है, वेकेशन पड़ती है, तो उसको मोबाइल यूट्यूब वगैरह जो टाइम वेस्ट ना करें। सही, आजकल की जो जनरेशन है वो जो हेल्दी एक्टिविटीज़ में नहीं थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने उन्हें कोई अपना ऐसा प्लान बनाया कि जिसमें जो है बच्चे एक हेल्दी एक्टिविटी में भी आ जाए और उनका जो है वो एक जो है एक्सपोजर जो क्रिकेट की तरफ भी दें। तो हमने समय कैंप अपना जो है ना बेसिकली दो सेशन में डिवाइड किया। सही है। जैसे 4 से 5 का एक सेशन है, 5 से 6 का एक सेशन है। सही है। 4 से 5 वाला जो सेशन है वो है तकरीबन एज 5 से एज 12 तक। अच्छा, सही। और जो सेशन 2 है वो होता है 5 से 6, जिसमें होता है कि जो है 12 साल से 18 साल के बच्चे होते हैं। सही है। अब इसमें बेसिकली वजह ये दी है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है ज़्यादा अटेंशन की जरूरत होती है, उनको ज़्यादा थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस के साथ जो है उनके बेसिक पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उसमें जो है उनको ज़्यादा जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए जो है ना उनको एक अलग सेपरेट टाइम दिया हुआ है हमने सेशन। सही है। और बड़ों के लिए अलग टाइम दिया हुआ है। सही है। अब 5 से 18 साल के जो है स्लॉट टाइम होते हैं, इसी में जो है ना बच्चे को जितना ज़्यादा ग्रूम किया जाए, जितना ज़्यादा उसको बेसिक्स सिखाई जाए, जैसे इंटीग्रिटी हो गया, डिसिप्लिन, टॉलरेंस वगैरह, जितनी उसको वैल्यू सिखाई जाएंगी वो उसके जो लाइफ टाइम जो है ना उसको साथ देंगे। सही है। अच्छा, आप इसमें ये है कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि जो हमें इसमें सिखाया क्या किया जाएगा। सही है। सबसे पहले उसमें होता है कि जो है आप जो बेसिक्स में काम किया जाएगा। सही। बेसिक जब आपको लाइफ की जो वैल्यूज है वो पता चल जाएंगे तो उसको आप ईजिली जो है क्रिकेट के अलावा आप हर फील्ड में जो है ना उसको अप्लाई कर सकते हैं। सही हो। जैसे इसके बाद बैटिंग के ऊपर आपकी फोकस ये रहेगा, बैटिंग के साथ साथ फील्डिंग हो गई और आपके बाद जो है बॉलिंग हो गई, और उसके बाद आप पिच पे आप अगर आ रहे हो तो आपके पास क्या डिसिप्लिन होने चाहिए, क्या उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बाद काम किया जाएगा। अच्छा, मुझे आप इसके चार्जेस बताएं कि क्या इसके चार्जेस? इसमें जो चार्जेस हैं 6,500, इसमें बेसिकली हमारे पास यूनिफॉर्म वगैरह इक्विपमेंट सब हम आपको प्रोवाइड सब आप प्रोवाइड करते हैं। आपने जो है प्रॉपर किटिंग माना किटिंग इन द सेंस की यूनिफॉर्म, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप खेल रहे हैं यहाँ पे तो आपके प्रॉपर शूज़ जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो। यूनिफॉर्म भी हम आपको प्रोवाइड और सारी इक्विपमेंट भी आप प्रोवाइड कर, इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली समर कैंप है वो 2 मंथ्स का है, जून अच्छा। और जुलाई। अच्छा, जून में जो हमारा वो बिगिनर लेवल है और जुलाई वो हमारे पास एडवांस लेवल है। अच्छा। आप जो है इसमें वजह ये थी कि पहले आपको बिगिनर लेवल पे आपको जो है बेसिक्स करवाएंगे, उसके बाद जो है एडवांस लेवल पे जो हमारे कोच है वो आपको जो है एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे। सही। अब इसमें बात यह आती है भाई कोच कौन है, कोच कैसे है, कोच कहाँ का, तो कोच की जो है आप इस मिसाल दें, कोच ने जो है बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है ट्रेन किया, उनका नाम है वकार कुंडी, उन्होंने जो है मुख्तलिफ लोगों का ट्रेन किया, जैसे अनवर अली वगैरह जो आपके पास बॉल है माशाल्लाह नेशनल, और वो PCB लेवल 2 सर्टिफाइड कोच है। अच्छा, माशा वीडियो भी आप जो है हमारे चैनल पे देख सकते हैं। स्ट्रेचिंग हो रही है बाबू? हाँ भाई, स्ट्रेचिंग तो बहुत ज़रूरी है, ये भी ऑफ नहीं आता। हाँ, बैठे अभी स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से ये सही है? हाँ, बच्चों के हिसाब से सही है, अभी बैटिंग बॉलिंग कराएंगे। हाँ, फिर फील्डिंग का सेशन ओवर है। जो बात है, बाबू आप डायरेक्ट हिट लगना सिखा रहे हैं, ये बच्चे डायरेक्ट हिट कैसे मारें? इससे पहले इन्होंने सिखाया था क्या
कि आपको बॉल कैसे कैरी करना है। चलो भाई वो ये क्लोज था ना बड़ा, ये महान वाली क्रोध में। हाँ ये महान अभी खैर छोटे हैं यार, देख तो कितने कितने छोटे छोटे हैं वो देख, ये सोमू के जितने हैं ना रे। ये बादशाह से बच्ची बड़ी शार्प है यार, ये बड़ी अच्छी चीज है भाई, टाइपिंग मैंने भी है ना, देखो मैं आपको बताऊं, एक अच्छे कोच का ना फायदा होता है बाबू कि वो पीसीबी लेवल 2 के कोच है वकार कुंडी, और वो बच्चों को बेसिक ही तगड़ी कर रहे हैं तो बच्चा बनेगा ना यार। अब देखो एक वो भी कर रहा है, एक ये भी कर रहा है, यहाँ पे क्रिकेट चल रही है, वहाँ बॉलिंग चल रही है, एक्टिविटी है, बच्चे इस वक्त बोल लूंगे बहुत मजा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। अच्छा बाबू मैंने देखा था कि छोटे बच्चों को अलग सिखा रहे थे, बड़े बच्चों को थोड़ी अलग टीचिंग है, बड़ी बेसिक चीजें बता रहे हैं उनका भाई, और अच्छी बात ये है हाथ घुमाना सिखा रहे हैं, हाथ घुमाना सिखा रहे हैं जो भी बात है, क्योंकि हमें जो जितने बचपन में बट्टे नजर आए ना, या इनमें से कोई एक नहीं नजर आएगा, सब बच्चे सारे प्रॉपर हाथ घुमाने वाले बच्चे। जिससे हम ज्यादा काम करते हैं कोई लेफ्ट से, राइट से करता है कोई लेफ्ट से करता है, अगर स्ट्रॉन्ग एंड है तो हम क्या स्ट्रॉन्ग एंड ऊपर लाके ऐसे कैसे इस तरह पकड़ना, ठीक है, ये कैच है और ये रिवर्स कप है, ये देखो इसमें स्ट्रॉन्ग एंड ऊपर आएगा रिवर्स कप, ठीक है, क्लियर। सब दूसरे टिप नहीं खाना, ठीक है, बॉल को दूसरे टिप नहीं खाना, एक टिप में पकड़ना है बॉल को, ठीक है, बाबू ये कैसा गेम है भाई, हाजिर दिमागी का गेम है, बॉल दो बच्चे खड़े हैं ना सामने, हाँ जिसको जैसे वो सिटी रहेंगे ना इसी एक को जल्दी पिक करना है बॉल। अच्छा देखते हैं भाई सबसे पहले कौन उठाएगा, खाने के टाइम पे करते। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और पीसीबी लेवल 1 और लेवल 2 के कोच जनाब वकार कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वकार भाई आपने एक से एक सुपरस्टार को ट्रेन किया है, बच्चों को आप समर कैंप में किस तरह ट्रेन करेंगे जरा ये आप लोग बता। बिल्कुल ये इस तरह काफ़ी कोचिंग में टाइम रहा है मेरा, लेकिन इस एज ग्रुप में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इस तरह का कैंप करूँ, और बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है, एक नया एक्सपीरियंस है। बस यहाँ जो डिफरेंट है सब अकेडमी से वो ये कि यहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, जस्ट लाइक टॉलरेंस, माइंडफुलनेस, इंटीग्रिटी और टीम वर्क क्या है, ये चीज़ें भी साथ इनको सिखा रहे हैं क्रिकेट के साथ साथ, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा क्रिकेटर के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी उसको बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा इनका, माशाल्लाह से आपके लिए ये नया एक्सपीरियंस है जी, लेकिन आप पे तो ट्रस्ट है क्योंकि हमारे मुतब्बी ने बताया कि माशाल्लाह से बहुत नेक्स्ट लेवल कोच हैं,
हमें जब इतना अच्छा सिखाया तो फिर बच्चों को तो नेक्स्ट लेवल पे लेकर ही जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। समर कैंप की बात करूँ तो जो 5 से 11 साल के बच्चे हैं ना, उन पर बहुत मेहनत हो रही है भाई। उनकी फील्डिंग इंप्रूव करी जा रही है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बैटिंग और बॉलिंग ना हर कोई कर लेता है, लेकिन फील्डिंग बेसिक है, उस पर तवज्जो दी जा रही है। बैटिंग पर टैपिंग करवाई जा रही है। वो जो लड़की दिखी आपको छोटी थी, उसकी आप अवेयरनेस देखो, उसका फ्रंट फुट कितना अच्छा जा रहा है। तो ये चीज़ है जो कि आपके बच्चों को आगे पुश कर रही है। पढ़ाई में तो बच्चा अच्छा होता ही होता है, सही है, लेकिन क्रिकेट में भी उसका थोड़ा सा आप दिमाग लेकर आएँ, ताकि वो थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करें, उसको अवेयरनेस आए क्रिकेट की। क्योंकि आजकल के दौर में ना स्पोर्ट्समैन कितना कम आ रहा है बाबू, आप लोगों के समझ में। मैं आपको बताऊँ, एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान से 10 गुना ज़्यादा अगर सैलरी है तो वो एक स्पोर्ट्समैन ही है। इसमें मेहनत भी बहुत है, डेडिकेशन भी बहुत है। और फिर जब वकार कुंडी साहब जैसे आपके बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ना, तो फिर उसको अच्छा होना है। क्योंकि एक अच्छा कोच इंशाल्लाह एक अच्छा प्लेयर बनाता है, और प्लेयर तभी बनता है जब बच्चे की बेस अच्छी हो। तो भाई मैं तो बोलूँगा कि आप यहाँ पे आएँ, और म्यांमार में है, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा कि लोकेशन कहाँ है। अगर आप म्यांमार में रहते तो आपके बच्चों के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। सिक्योरिटी कैमरा है प्रॉपर, ये इंडोर का सेटअप है, आपका बच्चा कहीं भी नहीं जाएगा। बाहर गार्ड बैठे हुए हैं, वकार कुंडी साहब के साथ 3-4 असिस्टेंट भी है जो आपके बच्चों पर नज़र रख रहे हैं। साथ साथ उसमें एक्टिविटीज़ भी हैं कि बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आपको किस तरह बिहेव करना है। तो मेरे लिहाज से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है द पिच की तरफ से, कि उन्होंने बच्चों का समर कैंप रखा है जिसमें 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को टारगेट किया है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। इनका ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं कि इसके क्या चार्जेस वगैरह हैं। बाकी तो मैंने आपको वीडियो में बताई थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।